नमस्कार। आज हम सेकेंड यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे, विज्ञान साइंस पेडागॉजी के अंतर्गत। और उसमें कहा गया है कि 19th सेंचुरी से अभी तक जो भी हमारे विज्ञान में प्रगति हुई है या जो भी हमको समस्याएं दिखाई देती हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, इसको हमको जानना है, समझना है। तो इसके लिए ही आज का ये टॉपिक हमने लिया है। और यह जो विषय है एमएड के फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित है। आइए हम और आगे अध्ययन कर। जैसा कि बताया कि हम सेकेंड यूनिट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, और उससे संबंधित प्रायः बहुत सी चीजें किताबों में मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास से हमने एक विज्ञान की किताब निकाली है और उसका नाम है भारत के विज्ञान की उज्जवल परंपराएं। यह जो किताब है, इस किताब को सुरेश सोनी जी ने लिखा है। इस किताब में हमारे सनातन समय से लेकर वर्तमान तक, इवन एपीजे अब्दुल कलाम तक और उनके बाद भी जो जो नवीन चेंजेस आए हैं, उन सब का उल्लेख इस किताब में है। तो हमको इस किताब का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है एज ए विज्ञान के छात्र होने के नाते। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में हम विज्ञान जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो देते हैं बच्चों को, और प्रकृति के जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसका ही हम अध्ययन करते हैं विज्ञान के अंतर्गत। क्यों, काहे, किस लिए, ये सब बातें हम बताते हैं। लेकिन इसमें साथ साथ हमारा वर्तमान में जो कोर्स चल रहा है, यानी करिकुलम है, उसमें कुछ बातें छिपी हुई हैं, हिडन है। तो वो है क्या है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। यह जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, इसको प्रत्येक शिक्षक को, चाहे वो कोई भी विषय पढ़ाए, उसको शामिल करना चाहिए। अब इंटीग्रेटेड क्या है, जैसे समावेशी शिक्षा, योग शिक्षा है ना, और आपका पाइड योजना क्या है, आइड योजना क्या है, ऐसी बहुत सारी सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, वो जो चल रही हैं, हम सबको नहीं मालूम है, लेकिन उसको जानकर अपने विषय को पढ़ाते समय हम इन बातों को भी जब बताते हैं बच्चों को, तब कई बच्चे ऐसे हैं कि कौन सी बात उनको कब क्लिक हो जाए हम नहीं कह सकते। हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग हैं, कामनाएं अलग अलग हैं, उसकी आवश्यकता अलग है। तो जब शिक्षा अपने करियर में जो पेडागॉजी को पढ़ाते समय जो कुछ बातें हैं बताता है, तो इन सब चीजों को, हिडन जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, उसको बताना आवश्यक है। तो उसी के तहत मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। जैसे संस्कृत भारती जो है हमारी, यह संस्कृत भारती जो है 2001 से काम करना चालू कर दी। अब 2001 से क्यों चालू की है, क्योंकि ये पता चला कि संस्कृत विज्ञान की या कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है। इसमें जो कोई अर्थ होता है वो कभी बदलता नहीं। यदि हम अंग्रेजी को लेते हैं तो उसमें के एन ओ डब्ल्यू नो, नो माने जानना, एन ओ नो, नो माने नहीं, ध्वनि लगभग एक जैसी होती है और उसका अर्थ बदल जाता है। तो कंप्यूटर को किसी चीज को कहना चाहिए, ग्राह्य करने में दिक्कतें होती है। तो लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है कि उसमें कोई अर्थ बदलता नहीं है, और बहुत बड़े वाक्य को, बहुत बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने जाना, समझा, और 2001 से संस्कृत भारती एक संगठन है, उसने संस्कृत की किताबें लिखी, और उसके जो प्रमुख हैं चरण शास्त्री लेखक, वो उन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर साइंस एंड बॉटनी संस्कृत में लिखी। अभी तक हम कहते हैं सिर्फ ये कहते अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में संस्कृत, चूंकि हमारी कंप्यूटर की भाषा है आने वाले समय में, इसलिए संस्कृत का ही उल्लेख हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही प्रारंभ कर दिया। फिजिक्स लिखती है संस्कृत में, मेडिकल भी लिखती है, जितने भी एलिमेंट्स हम पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं
उन एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, वो जो मेटलर्जी है उसको उन्होंने लिख दी, प्रत्येक एलिमेंट्स की मेटलर्जी लिख दी। उस वक्त जितने प्रकार की मशीन है उस मशीन को उन्होंने संस्कृत में लिख दिया, केमिस्ट्री को संस्कृत में लिख दिया। उसी प्रकार एमपी राव बेंगलुरु के हैं और इन्होंने विमान शास्त्र लिखा। रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद जी और जितात्मानंद जी, ये दोनों ने स्वाभिमान जागरण के तहत भारतीय विज्ञान की विशेषता एवं महत्व लिखा है, जिससे युवाओं को एक दिशा मिल रही है। तो ये युवाओं को एक स्वाभिमान के जागृत करने के लिए रामकृष्ण मिशन भी इसमें काम कर रहा है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये हमारे पूर्व मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री रहे हैं, एमएचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, यूपी में ये बोर्ड के सदस्य भी थे, और उन्होंने उस समय कुछ बातों को बताया, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इन्होंने कहा कि प्राचीन विज्ञान परंपराओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करके बता दिया। तो ये ऐसे कुछ हमारे संस्कृत और कहना चाहिए पुराने वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने संस्कृत को भी आगे बढ़ाया और हमारी जो भारतीय विज्ञान की जो परंपराएं हैं उसको भी आगे लाने में उन्होंने महत्व दिया। इसी प्रकार से यदि ये जितनी भी बातें हैं, इन बातों को और अच्छे से यदि हमको समझना है, तो हम ये देखते हैं कि जो चार प्रश्न हैं हमारे, उसमें से एक प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय इतिहास, यानी जैसे हमने बताया, चार प्रश्नों से जाना जा सकता है। उसका पहला प्रश्न है, विज्ञान और तकनीक पश्चिम की देन है या भारत की? तो हम प्रायः ये जानते हैं कि विज्ञान पश्चिम की ही देन है। पश्चिम यदि कोई बात हमको भेजता है तब हम उसको स्वीकार करते हैं, और यदि हम भारतीय कोई बात को बतलाता है तो कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी बन गई है। तो यदि हम इसको देखें तो हमको ये पता चलता है कि संस्कृत भारती, जैसे मैंने बताया, तो ये 2001 से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार इसने प्रारंभ कर दिया। ये जो बातें आ रही है वो ये बतलाती है कि हमारा इतिहास काफी समृद्ध था, और उसी समृद्धि के आधार पर ही इसको और अपग्रेड किया जा रहा है वर्तमान समय में। उसी प्रकार से आर्यभट्ट ने शताब्दियों पूर्व पाई का मान बता दिया था। आर्यभट्ट ने शताब्दी पूर्व पाई का मान बता दिया था, 22/7 और 3.14 होता है करके, और हम कहते हैं कि आर्यभट्ट की देन नहीं है और पश्चिमी वैज्ञानिक की देन है। शंकराचार्य जो आर्यभट्ट के पूर्व थे, इन्होंने वैदिक गणित लिख दिया और इस वैदिक गणित को और इम्प्रूव करके बताते जा रहे हैं। तो उन शंकराचार्य ने ये बताया कि उसमें 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। ये 16 और 13 उपसूत्र जो है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का की संक्रियाएं कर सकता है, चाहे गुणा हो, भाग हो, धन हो, ऋण हो, ये सब ये सूत्र के माध्यम से संभव है। तो इसी प्रकार से जब ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक इस सूत्र को जानना चाहे वैदिक गणित को, तो उनको कहा गया कि भाई आपको यहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, वहां पे बार्क जैसा मैंने बताया, शंकराचार्य ने जो वैदिक गणित की किताब लिखी इसको जानने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए। तो उनको कहा, उनने देखा भाई हम ये सुन रहे हैं कि शंकराचार्य ने वैदिक गणित की किताब लिखी है, वो हमको कहाँ देखने मिलेगी, उसकी मूल प्रति कहाँ है? तो बताया गया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, यहाँ पे ये पुस्तक रखी हुई है। तो उस पुस्तक को उन्होंने वहां देखा, देखने के बाद उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रचार प्रसार हुआ, तब यहां के भारत के लोगों ने समझा कि ये चीज ऐसी है। तो के कहने का आशय मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंग्लैंड के द्वारा, पश्चिमी वैज्ञानिकों के द्वारा जब बताया गया, तब हमने इनको जाना कि वैदिक गणित क्या है, उसके 16 सूत्र 13 उपसूत्र क्या है।
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 1962 में इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन प्रमेय बताया। लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं ये तो पाइथागोरस की देन है, बोधायन की नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है कठिन लगने लगा, तो मुरली मनोहर जोशी ने कहा ये तो बोधायन ने पहले ही बता दिया है। तो उन्होंने उसको जाना और पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है और ये भारत की देन है। प्रमाण, उन्होंने कहा कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, तो उन्होंने प्रमाण दिया। एडवर्ड टेलर जो भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है सिंप्लिसिटी एंड साइंस। इस किताब में उन्होंने हाइड्रोजन बम और परमाणु बम का भी उल्लेख किया है और कहा विज्ञान सरल एवं सुगम हो उबाऊ न हो। इस किताब में इस बोधायन का उल्लेख है। तो ये किताब जो एडवर्ड टेलर ने लिखी है और इसका जब उन्होंने कोट करके बताया मुरली मनोहर जोशी ने, सब लोगों को स्वीकार हुआ, मालूम हुआ यह भारत की देन। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने अपने विजन 2020 में लिखा है कि उनके एक कक्ष में जहां वो बैठते थे एक कैलेंडर लगा हुआ था पीछे से। उस कैलेंडर में अफ्रीका और यूरोप के बहुत बढ़िया बढ़िया छायांकन था उसमें, और उसमें लिखा था बड़े अक्षर में कि यह जर्मनी के द्वारा इसकी छपाई हुई है। जब उन्होंने पास गए वहां पे तो देखते हैं कि दरअसल में इसका छायांकन जो है ये भारतीय उपग्रहों के माध्यम से हुआ है, लेकिन वो छोटे छोटे शब्दों में लिखा है। तब उन्होंने बताया कि भारतीय उपग्रह का चित्र है वो अफ्रीका और यूरोप का चित्र ले रहा है, जर्मनी में हो रहा है, लेकिन जिससे जिस कैमरे से लिया गया उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये किताब उन्होंने बताई और इसका जो उदाहरण बताया उन्होंने, इंग्लैंड यात्रा के दौरान टीपू सुल्तान के जो तीर है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो बारूद है इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ है, इस प्रकार की बातें हो रही थी। और टेबल खाने के बेंच पर बैठे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तब वो चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं आप जो बोल रहे हो वास्तविकता नहीं है, इसके लिए भी मैं आपको कोई उदाहरण देता हूँ आपके द्वारा लिखी हुई पुस्तक। तो उन्होंने एक किताब बताई विलियम कोनग्रेव। विलियम कोनग्रेव ने टीपू के रॉकेट का अध्ययन किया और ये किताब में उल्लेख है, किताब का नाम है द ओरिजिन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये किताब लिखी गई है, इस किताब के जो लेखक हैं तो ये जो किताब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि बर्नार्ड रॉबेल ने एक किताब लिखी है, उस किताब में इन्होंने लिखा है, विलियम कोनग्रेव ने उसका जो अध्ययन किया है उसको उल्लेख किया है इस किताब में, द ओरिजिन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इससे ये सिद्ध होता है कि यह जो बारूद की खोज है यह टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के पहले ही, इंग्लैंड के पहले ही भारत में कर लिया था। और इन्होंने ये लिखा भी है, ये जो अपना विलियम कोनग्रेव है 1805 में ये ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन विलियम पिट और सचिव एक्रेशर लीवा, इन लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की? आपका विलियम कोनग्रेव ने। और ये बताया कि 1805 में इस प्रकार से जब पूरा बारूद कैसा बना, टीपू सुल्तान के जो तीर थे उसको किस प्रकार से अग्नि वर्षा करते थे, ये सब उन्होंने जब समझाया तब उन्होंने 1806 और 1807 में उसको अपने युद्ध में शामिल कर लिया। तो हमारी जो साइंस की जो टेक्नोलॉजी है यह वास्तव में बहुत ओछी या ऐसा गरिमापूर्ण नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है, ये स्वाभिमान को जागृत कराने वाली बात है। अभी तक हमने अपने अभिमान को या उनने अपने अभिमान को जागृत करने का प्रयास किया, हमने अपने स्वाभिमान को जागृत करने का काम नहीं किया, गौरवान्वित हो ऐसी कोई बातें हमने नहीं बताई। और न बताने के पीछे भी कारण यही है कि जो हम गुलाम थे तो गुलाम होने के कारण हमारी जितनी भी कलाएं थी
जितनी भी जानकारियां थी उसको बंद कर दिया गया था, उसको सामने ही आने नहीं दिया गया था। तो हमको जानना, हम जाने भी नहीं, इसलिए हम इस अपने बातों पर गौरवान्वित भी नहीं हो पाते हैं। तो मेरा आज के विषय में बताने का उद्देश्य इतना ही है कि हम ऐसी सब जानकारियां अपने हिडन करिकुलम के माध्यम से अपने विषय को पढ़ाते समय बच्चों को दें, जिससे उनमें एक गर्व की भावना जागृत हो और वे अपने इस सब्जेक्ट के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को और अच्छा बना सके, बता सके। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जो बातें बताई उसमें जो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं, साइंस वाले, वो जब कोई रिसर्च करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं, तो उनके द्वारा जो बताई गई बातें होती है वो आगे चलकर किसी न किसी कारणवश हमारे उपयोग में नहीं आती। लेकिन भारत में के द्वारा जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं वह कभी नश्वरता की ओर नहीं जाती। उदाहरण के लिए कि पश्चिमी वैज्ञानिकों ने बताया कि विज्ञान से के माध्यम से उर्वरा यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है और फर्टिलाइजर के उपयोग से अच्छा अनाज उत्पन्न होता है। तो ये बातें सबको पता चली भाई, जहां एक बोरा होता था वहां 16 बोरा और 20 बोरा होने लगा। लेकिन हमने ये देखा कि फर्टिलाइजर के उपयोग करने से जितने प्रकार की बीमारियां हैं किडनी से संबंधित, तो वो सब बीमारियां और लीवर से भी संबंधित वो फर्टिलाइजर के कारण है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। विज्ञान ने ही फर्टिलाइजर बनाया, उसी ने बताया कि उत्पादकता बढ़ गई, लेकिन उसके आविष्कार को उन्हीं लोगों ने इसको कारण भी बताया कि इसके कारण ही ऐसा हो रहा है। तो विज्ञान जो है पहले रिसर्च करता है, बाद में उसको कोई बात अनुभव में आती है। लेकिन भारत के वैज्ञानिक जो काम करते हैं तो पहले अनुभव की बात करते हैं, बाद में उसको क्रियान्वित करते हैं। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये अनुभव कैसे करते हैं, तो अनुभव करने की उनके पास एक योग विद्या है। उस योग विद्या के माध्यम से वो समझ लेते हैं कि ये जो मैं आगे रिसर्च करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, उसका अनुभव पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो किसी प्रकार की हानि नहीं होती। जैसे अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण सब परेशान है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग ही एक बहुत बढ़िया माध्यम है, तो इसको हम सब अपना भी रहे हैं। अमेरिका भी उसने 21 जून को बना लिया, पूरे विश्व में हमने योग दिवस के रूप में अपना लिया। तो कहीं न कहीं भारत की जो विशेषताएं हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं और इसलिए सब विश्व अपना रहा है। तो इन सब बातों को जानना समझना है। तो हमने ये बताया कि सभी ने बताया कि विकास एवं समृद्धि अपनी ही संस्कृति से संभव है, आयातित ज्ञान से नहीं। तो हमको हर चीज पश्चिम की ही देन है, क्योंकि पश्चिम जो काम करता है वहां के वातावरण के अनुसार करता है। भारतीय वैज्ञानिक जो काम करते हैं वो यहाँ के वातावरण के, हमारे द्वारा की हुई जो अनुसंधान है उनके काम नहीं आएगी, उनके द्वारा की है हमारे लिए आएगी, क्योंकि वातावरण और कल्चर का प्रभाव पड़ता है। तो समृद्धि और विकास अपने ही वातावरण से होता है, इसको समझना है। अनुभव अन्य ज्ञान विकास समृद्धि की ओर, विज्ञान से नश्वरता की ओर जाता है। योग से जो अनुभव ज्ञान है वो विकास और समृद्धि की ओर ले जाता है, और जो विज्ञान नश्वरता की ओर ले जाता है। ये भी हमने देखा, आज एटम बम बना लिया लोगों ने, हाइड्रोजन बम बना लिया, लेकिन अब उस बनाने के बाद युद्ध तो कर नहीं सकते, पूरा मानव जाति समाप्त हो जाएगी। तब उसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कैसे करें, इतना खर्चा हो गया, फिर से उसी को हम अपनी ऊर्जा भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, तो कुल मिला भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक मैं आप लोगों को एक कुछ असाइनमेंट भी देता हूँ, उस असाइनमेंट को आप लोग लिखेंगे। तो इसमें भारत में किन किन क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास हुआ, ये एक क्वेश्चन है जो आपको लिखना चाहिए, अध्ययन करें। विज्ञान और तकनीक, दूसरा क्वेश्चन, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भारत में कोई वैज्ञानिक दृष्टि थी, यदि हाँ तो उनकी विशेषता एवं भिन्नता क्या थी, बताएं। एक प्रश्न और, वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान क्या भारत के पास है, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से तीन प्रश्न है, इन तीन प्रश्नों के माध्यम से भी हमारा जो सेकंड यूनिट है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।